Let us see the next point. Evaluation of the appropriate method for identification and management of the financial risk. Appropriate methods for identification and management of the financial risk. So again, hum log kiske upar focus kare? Financial risk ke upar. We have classified the financial risk in four categories. We shall discuss the identification and management of each of the risks separately under the same category. तो सबसे पहले काउंटर पार्टी रिस्क देखो वेरियस हिंट्स हिंट्स का मतलब क्या सिग्नलिंग मे प्रोवाइड काउंटर पार्टी रिस्क एज फॉलोस तो हमको क्या मिलेगा सिग्नल मिलेगा लेट्स से यहां पे काउंटर पार्टी रिस्क होगा काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब हमने समझ लिया है क्या कि हमने किसी को गुड्स बेचा उन्होंने मेरे को पे नहीं किया डिफॉल्ट सिंपल बाय डेट्स मैंने किसी को एडवांस पेमेंट किया था और उसने मुझे गुड्स डिलीवर नहीं किया मैंने किसी को एडवांस पेमेंट दिया था उसने मुझे सर्विस नहीं दिया मैं बैंक हूँ मैंने किसी को लोन दिया था मेरा जो बोरोवर है यानी कि जिससे मुझे बोरो किया था क्लाइंट है उसने डिफॉल्ट किया अच्छा तो कुछ हिंट दे रखा है एक फेलियर टू ऑब्टेन नेसेसरी रिसोर्स to complete the project or the transaction undertaken. Second, any regulatory restriction from the government. यानी government ने उसके ऊपर से कुछ restriction डाल के रखे हैं. Third, hostile action of the foreign government. Foreign government ने उसके ऊपर कोई adverse action लिया है. Let down by the third party. किसी और ने उसको उसके ऊपर स्यू किया है या तो फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो इन सब सिचुएशंस में ये हिंट मिलता है लेट्स से अभी जो सामने वाला पार्टी जो भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने वाला था वो नहीं करेगा फ्रेंड्स हमको एग्जामिनेशन में सिर्फ ये हेड पॉइंट्स ही लिखने हैं यानी इतना पॉइंट्स ही हमको लिखने का है ये रेफर द सजेस्टेड आंसर उस पर क्लैरिटी आ जाएगा हमको टेक्निक्स टू मैनेज दिस टाइप ऑफ रिस्क इज एज फॉलोस तो उन्होंने कुछ टेक्निक्स बताया हमको कैरिंग आउट द ड्यू डिलीजेंस बिफोर डीलिंग विद द थर्ड पार्टी है ना उसका रेफरेंसेस हम लोग निकालेंगे उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे वहां पे जाके एक बार देखेंगे ये सब थोड़ा ड्यू डिलीजेंस करेंगे बिफोर वी एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन Do not overcommit to a single entity or group of the connected entities. Suppose कि मैं bank हूँ और then in that case as a bank मुझे एक ही group को बहुत सारा पैसा नहीं देना चाहिए मुझे क्योंकि basically क्या होगा कि अगर वो group को कुछ हो गया उसकी sister concern companies को कुछ हो गया then in that case मेरा पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा मुझे कोई स्पेसिफिक सेक्टर में ही लैंड नहीं करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी आ गया कि जो वो सेक्टर के लिए एडवर्स है तो वो सेक्टर का सारा कंपनीज में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉस होगा जिसकी वजह से वो लॉस मुझे भी होगा नो योर एक्सपोजर लिमिट यानी वी शुड बी डीलिंग विद एनी वन वेर इन अगर हमको लॉस होता है तो वो लॉस हम लोग बेयर कर सकते हैं Review the limits and the procedures for credit approval regularly. Rapid action in the event of any likelihood of default. Default hua ya hone wala hai, to us case mein hum log will take the rapid action. Use of the performance guarantee, insurance or other instruments. Hum log insurance de sakte hain and we can do something like that so to overcome that. Risk. So these are the signals, hints, and these are the techniques set to overcome it.